יאללה שלומי, תודה רבה. מה נשמע? ביי, בהצלחה. הבא בתור. בסדר? תגיד לי, מה אתה דפוק? מה זה זה? אחי, מה שראית לי? מה אתה רוצה? זה מה שרצית? זה? קיבלת. परफेक्शन ये होता है भाई असली परफेक्शन साला इतनी सच्चाई और दिल की लगन के साथ काम करना चाहिए जितना इसने किया है पूरा का पूरा प्ले बटन छाप दिया है बे अभी ना तुम्हारे लिए वाला गाना बजना चाहिए यार रुको मैं बताता हूँ Hey guys, it's me, Dheeru, Vanchik. And guys, आज हम बात करने वाले हैं हेयर स्टाइल्स के बारे में भैया जब हम छोटे थे हम मतलब मैं और तुम तब भैया बच्चों के बाल या तो एक अंकल काटते थे या फिर एक अजीब से भैया होते थे जिनको बस एक ही तरीके के बाल काटने होते थे कुछ भी कह दो कैसे भी बता दो बस एक तरह के और वो था कटोरा कट कटोरा कट या फिर वो एकदम छोटे छोटे से बाल मतलब एकदम एकदम टकली दिख जाए ऐसे या कई बार तो पैसे बचाने के लिए घर पे ही मेरे मम्मी पापा ने मेरे बालों के साथ खिलवाड़ किया है कटोरा रख देते थे सिर पर और वो कैची घुमा देते चारों तरफ से बन गया कटोरा कट लेकिन आजकल के बच्चों के बाल ओ भाई आह सबके सब हीरो बने घूम रहे हैं एक से एक तगड़े हेयर स्टाइल के साथ आज हम कुछ ऐसे ही अजीबो गरीब हेयर स्टाइल्स देखने वाले हैं तो जो सबसे पहले हम वीडियो देखने वाले हैं वो है एक एटीट्यूड गर्ल की तो आप अपनी सांसें और दिल थाम कर बैठ जाए कहीं इस लड़की से तुम्हें प्यार ना हो जाए जो नजरों के सामने कर होगा नहीं तुझको देखे बिन मैं मरना जाऊं वाह तुम किसी को देखे बिना मरो ना मरो लेकिन साला तुम्हें देख के जरूर कोई मर जाएगा क्या रूप है कौन से प्लेनेट से आए हो अरे जितना इसने अपनी आंखों में काजल लगा रखा ना इतने में साला कोई शायर आके चार किताबें लिख के चला जाएगा बाकी बालों की बात करें तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है ये एटीट्यूड गर्ल क्योंकि ऐसे भाई सिर के ऊपर पहाड़ रख के घूमना आसान थोड़ी है तुझको भूल जाऊं कैसे तुझको भूल जाऊं कैसे जो भी बंदा इसको मिलता है ना सड़क पे घर पे कहीं भी वो इससे यही पूछता है तुझको भूल जाऊं कैसे चाहते कैप आप लगाना नहीं चाहते छाता लगा के चलना नहीं चाहते तो आज ये वाला हेयरस्टाइल कराया भैया एकदम मस्त ओपी फायदा क्या है इस हेयरस्टाइल का ये असल में देखा जाए तो गाइस क्या कहते हैं कटोरा कट का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है तो अब ये 2020 का कटोरा कट है कटोरा कट मैक्स प्रो ये लीली ये लीला को कौन सा जानवर है ये की अम्मा अभी तुम इस पोकेमोन के बाल देख के हंस रहे होगे लेकिन क्या तुम्हें इसके फायदे पता है ये इन लोग का सीन बहुत सही होगा यार जैसे हम तुमको जरूरत पड़ती है ना तकिए की सोने के लिए इन्हें कोई जरूरत नहीं है भैया तकिए वकिए की इनके सुनहरे बाल ही काफी है ये ऐसे करके बिछा के रख लेते हैं और सो जाता हूँ उसी पे वैसे अगर ये सही में पोकेमोन हुआ तो ये उस बॉल में से नहीं निकलता होगा ये निकलता होगा ऐसी लुटिया में से फिर से सुनेंगे हम बड़ी मानस क्या तुम्हें भी वही आवाज आ रही है जो मुझे आ रही है सुवरो नाइस एकदम झुंड बना के घूम रहे सारे के सारे खैर रजनीदा ने एकदम सही कहा था मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं शेर अकेला ही आता है पता नहीं साला इन्हें पुलिस रोकती होगी नहीं रोकती होगी क्योंकि रोक के भी क्या करेगी इनके बालों पे हेलमेट थोड़ी चढ़ने वाला है अब
भाई एक दूसरे का हाथ पकड़ के क्यों खड़ा है? सालो मेले में आयो तुम, कुंभ के मेले में जो खो जाओगे। सालो तुम में से कोई नहीं खोने वाला कुंभ के मेले में। वहाँ जाके जहाँ आवाज लगती है ना मेले में खोए बच्चों की, वहाँ जाके बस इतना बोलना है अगर कोई अजीब सा एलियन सा दिखे तो उसे यहाँ छोड़ के चले जाना। कोई भी छोड़ के चले जाएगा तुम्हें खंभे के पास। इनके घर वाले इनके पिछवाड़ों में डंडे डाल के ना टॉयलेट की सीटें साफ करते हैं। दिवाली लगा रही है, जाले हटाने के अलग काम में आएंगे। ऐसी ही हेयर कटिंग होती है जब तुम नाई की बजाय चप्पल सिलने वाले मोची से बाल कटवा के आओ तो। अब तुम ये नहीं पूछना तुझे कैसे पता। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए अभी मैं बता दूं कि मैंने नाई से ही कटवाए थे, इन बालों से मोची का कोई लेना देना नहीं। चल रही है, तुमने तो पूरी की पूरी महफिल जमा रखी है। बच्चों से लेके गली के नादान परिंदों तक सबने भीड़ जमा रखी है, सब शो का आनंद ले रहे हैं। ये हिस्सा तो एकदम फिट एंड फाइन है जी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों बनी है या तो भैया चिलकू से ने इस बार उनको पैसे नहीं दिए हैं या फिर ये कोई नया फैशन होगा जिससे हम अनजान हैं। लेकिन भैया आप इन आधे कटे हुए बालों के साथ लग रहे हैवान है, और ये जो उद्यमी बालक है ना ये बहुत शैतान है। साला इसके एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं उस बेचारे के बालों पे। भाई इसने अपने आंसू बहुत मुश्किल से रोक रखे हैं, अभी रो देगा या ऐसी हालत हो रही है इसकी। क्या इतना बुरा हूं मैं मां? जादूगर है तू? चलो भैया सोचो, जब ये ऊपर जाएगा भगवान के पास और भगवान पूछेगा हाँ भैया भाई कैसे मरे तुम, तो ये क्या जवाब देगा? हाँ तो वत्स, कैसे हुई आपकी मौत जरा हमें थोड़ा बताइए। राजेश के लौंडे ने बालों से काट दी मेरी गर्दन और मैं मर गया। नाइस जोक, शांति से बता भी कैसे मरा। राजेश के लौंडे ने बालों से काट दी मेरी गर्दन और मैं मर गया। So guys, चलो वीडियो के वीडियो में खत्म करता है, वीडियो देख के मजा आया हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। एंड मुझे पता तुम लोग ट्रूथ एंड डेयर वाली वीडियो का वेट कर रहे होगे, जिसका ही मैंने कल परसों कम्युनिटी पोस्ट डाला था, तो वो आएगी, काम करेंगे हम उस पर। अगला वीडियो वही आएगा। अभी इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट भी करो, प्लीज करो, थोड़ा इंगेजमेंट बढ़ाओ हमारा। टाटा 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 टाटा। Hey!